मिरर वर्क, आपके 9वें दिन के लिए आपका ध्यान, भीतरी बच्चे को प्रेम करना, बीते समय में वापस जाएं, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें, इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले आए। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें और जब आप वहां खड़े हो तो इस बात से अवगत हो जाए कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं है। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था, आप अभी अभी माता के गर्भ में से बाहर आए हैं, शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं, आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे गिर जाते थे, खड़े होते थे गिर जाते थे और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर पहले कदम रखे। आपको डर लग रहा था पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़े जब आप यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था और आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कभी कोई आपको प्रेम नहीं कर पाएगा। आप कितनी तकलीफ में थे, आप जितना कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मिल के पत्थर पर जाएं, वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके आगे वर्तमान में ले आए। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़े और जब आप आगे देखें
तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखे जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है।